आज हम जो अपडेट देने जा रहे हैं वो है भारत और नेपाल के बीच चलने वाली बस सेवा की शुरुआत की। आज 11 सितंबर है और आज बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के कर कमलों के द्वारा भारत और नेपाल के बीच बस सेवा का शुभारंभ किया गया है, शुरुआत किया गया है, पटना से जनकपुर और बौद्ध गया से काठमांडू। तो देखिए ये वीडियो, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कितना किराया होगा, कितना सीट है बस में, बस का प्रकार कैसा है, कितनी बसें चलेंगी, ये सारा कुछ आपको बताएंगे। पहले ये वीडियो देखिए। एक अच्छी शुरुआत की पहल का दिन माना जाएगा क्योंकि आज भारत नेपाल बस सेवा का शुभारंभ हुआ है। बौद्ध गया से काठमांडू तक और पटना से जनकपुर तक सीधा बस चलाया जाएगा। टोटल 8 बसें चलेगी इस रूट में। आपको बता दें कि काठमांडू से लेकर के बौद्ध गया से लेकर के काठमांडू तक के जिन्हें जाना होगा उसके किराया के बारे में बताते हैं कि 1250 रुपये किराया रखा गया है। एसी बसें हैं, सभी बसें एसी हैं। टोटल 8 बस चलेगी, 4 बस से पटना जनकपुर और 4 बस बौद्ध गया से काठमांडू। और जो पटना जनकपुर की बसें पटना से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भिट्ठामूर होते हुए जनकपुर जाएगी, वहीं बौद्ध गया काठमांडू की बसें गया, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, रक्सौल, वीरगंज होते हुए काठमांडू जाएगी। पटना से जनकपुर का किराया 275 रुपये रखा गया है और बौद्ध गया से काठमांडू का किराया 1250 रुपये रखा गया है। वहीं पटना से काठमांडू का किराया 1015 रुपया है।
विदेश मंत्रालय के द्वारा ट्रिपल पी मोड पर बिहार व नेपाल के बीच बस सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी गई है, तभी शुरू हुआ है ये, और सभी बसों को परमिट भी मिल गया है। 44 सीटें होगी, एसी बसें हैं, 44 सीटें होंगी। तो भारत नेपाल का संबंध तो प्राचीन था ही, अब और भी गहरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। वहीं माता सीता का जन्मस्थल सीतामढ़ी है, तो वहीं जनकपुर, जनक राजा जनक का घर जहाँ पे माता सीता रहती थी, और काफ़ी गहरा संबंध है भारत और नेपाल का, और उसी को और मजबूत करेगा। तो हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत और नेपाल के इस बस सेवा का लाभ उठा सके, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट आपको समय मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इन सीन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।